हेलो एवरीवन। तो यार आज के टाइम में इंडिया में वीडियो मेकिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, और ऐसे में आप एक अच्छा सा सस्ता सा ट्राईपॉड ढूंढ रहे होंगे। तो मेरे पास है ये ट्राईपॉड और इसका मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ, ठीक है। तो भाई इसका जो नाम है वो है काबूम कैमरा ट्राईपॉड, और ये आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। मैंने ये 6 मंथ पहले ऑर्डर किया था, उस टाइम इसकी वैल्यू थी 670 रुपीज़, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में इसकी वैल्यू है 322 रुपीज़, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है, काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल है। ओके, अब इसके थोड़े फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो जो ये आप ये पोर्शन देख रहे हैं, ये है एलुमिनियम, ये सारा एलुमिनियम है, स्टील है, और जो ये सारा पोर्शन है ये है प्लास्टिक। ओके, और जो इसकी हाइट जितना लंबाई हो सकता है वो होती है 300 मिलीमीटर टू 1100 मिलीमीटर। एंड ये जो ये वेट जितना है, इसकी कैपेसिटी है वो है 1500 ग्राम, हाँ 1500 ग्राम तक ये वेट झेल सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। जो ये आप ये पोर्शन देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये जो ये है, ये नट्स आप देख सकते हो यहाँ पे, एक तरह से हम इसको लॉक बोल सकते हैं। तो इससे आप इसको घुमा फिरा सकते हो, ठीक है। और जो ये चीज़ है, इससे आप अपना ये देखिए, आप इसको ऐसे से मतलब कर सकते हो। और जो ये है, इससे आप अपना मतलब इसको चेंज कर सकते हो कि आपको भी किस तरह से वीडियो बनानी है। अगर आपको ऐसे, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको ऐसे बनानी है देन आप ऐसे ही इसको कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको ऐसे करके वर्टिकल वीडियो भी बना सकते हो इजीली, ठीक है। और एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे हमें मिलती है, जो कि है एक रबर। हाँ, यहाँ पे आपको एक रबर मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि आपको जो फ़ोन के जो एजेस हैं उन पे स्क्रैच वगैरह नहीं आएंगे, जो कि काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं, इसकी नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं। जो ये चीज़ आप देख रहे हो, इसको आप अंदर बाहर भी कर सकते हो। लेट मी शो यू। तो भैया ये, हाँ तो ये आप इसको अंदर बाहर कर सकते हो। और अब इसकी हाइट के बारे में बात करते हैं, तो मैं आपको इसको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ऐसे पूरी तरह खुल जाता है, ठीक है। तो ये तीनों लेग्स हैं, इनको आप पूरी तरह ओपन कर सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, जो कि मेरे को डिसएडवांटेज लगती है इस ट्राईपोड की, जो कि है इसका ये प्लास्टिक मटेरियल, सिर्फ और सिर्फ ये वाला मटेरियल। ये काफ़ी ज़्यादा पतला है, ठीक है, तो इसके टूटने का खतरा बने रहता है। तो आप इसको प्लीज़ इसकी केयर करना, अगर आप इसको बाय करो तो। ओके, तो आपको इसकी केयर करनी पड़ेगी, अदरवाइज इसमें कोई मेरे को कमी लगती नहीं है। जो ये सारा मटेरियल है, ये सारा काफ़ी अच्छा मटेरियल है, और ये भी काफ़ी बढ़िया है। अगर आप इसमें ताकत भी लगाओगे ना, तो भी ये दबने वाला नहीं है, काफ़ी बढ़िया मटेरियल है। और यार, और एक और चीज़, अभी मैंने आपको इसकी हाइट तो बता दी, जो कि 300 मिलीमीटर टू 1100 मिलीमीटर है, लेकिन मैं आपको इसको दिखाना चाहूँगा पूरी तरह, क्योंकि मेरे को भी लगा था कि ये लंबा होगा, बट ये इतना लंबा नहीं जितना आप सोच रहे हो। तो यार वेट फॉर इट। तो यार पहले बताऊँ, मेरी हाइट जो है वो है 5 फुट 8 इंच, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी हाइट कितनी रहेगी। थोड़ा वेट कीजिए प्लीज़। सो वी हैव डन। तो यार आप देखिए, मैंने ये पूरा ओपन भी किया हुआ है, इसको मैं थोड़ा और निकाल देता हूँ। तो उसके बाद भी ये हाइट जो है इसकी यहाँ तक आ रही है, जो कि मेरे लिए मुझे सही नहीं लगती सीरियसली। लेकिन वन मोर थिंग यार, मैं जो है वीडियोस खड़े होकर नहीं बनाता, मैं बैठ कर बनाता हूँ वीडियो, तो मेरे लिए ठीक है। लेकिन अगर आप खड़े होकर वीडियोस बनाते हो तो आपके लिए ये सही नहीं है, आप इसको प्लीज़ ना लें। अगर आप बैठकर वीडियो बनाते हो तो आप प्लीज़ इसको ले, और मैं एंड में यही बोलूँगा कि आप इसको ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है, फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। और यार 5 महीने से अब तक मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई भी प्रॉब्लम। सो दैट्स इट। होप आपको इससे कुछ हेल्प मिली हो, मेरे रिव्यू से कुछ हेल्प मिली हो। सो प्लीज़ मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, थैंक फॉर वॉचिंग।